यहाँ पे एक एक भगत पर पता है कौन सी कृपा होगी। तू कृपा कर सबको मिलना चाहिए। आपके पीछे बैठा उसको भी मिलना चाहिए। हे श्याम बाबा, यहां जितने भगत बैठे हैं, एक एक भगत को इतना क्षमतावान बना दो कि ऐसा आयोजन अकेला अकेला भगत ही करवा कर चला जाए। मैं भाई भतीजों के कुड़ते सिलवाऊंगा, लंदन के फूलों से। ये अभी कालका जी में कीर्तन है, वो भाई साहब पीछे बैठे हैं उनके यहाँ कीर्तन है, और ये इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि लंदन से कौन आ रहा है, आता हुआ फूल की माला ले आएगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा, और कीर्तन कराऊं ऐसा, ऐतिहासिक बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, ऐतिहासिक बना दूंगा। कौन कौन करवाएगा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और घर पे बैठे 1000-1500 सुन रहे हैं, बाद में लाखों देखेंगे, है ना? संभाल खा, जो देखेगा ना और जो भी देख रहा है उन सबको बता दूं, ये जो तालियां बज रही हैं ये आपके लिए भी बज रही है, क्योंकि कर भला चाचा एक फल सड़ा हुआ हो मंदिर में चला जाए तो पुजारी बाहर निकाल देगा सिंगल फल, और वही फल अगर टोकरी में नीचे सेट कर दिया जाए और टोकरी ले जाई जाए तो पंडित जी क्या कहेंगे, बोलो बिल्कुल नजदीक रखो ठाकुर जी। हम अपनी अर्जी लगाते हैं वो सड़ा हुआ फल है, शायद बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन जब सबकी अर्जी लगाएंगे तो हमारा फल भीतर जाएगा है? मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, भोग बनाऊंगा तेरे सावरिया। आप कहां से आए भाई? सोनीपत। हेलो भाई, मैं सोनीपत से भी तेरे भगत बुलाऊंगा, ये
जवानी है हमारे हरियाणा की। मीडिया वाले देख लें इसको, एबीपी न्यूज आज तक सब दिखाते हैं, बोले लड़के मोटरसाइकिल रात को घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिखाओ दुनिया को कि हरियाणा की कुंडली की बॉर्डर की जवानी सांवरे के नाम का नशा खाती है भाई है? और मारा तो वो पानी पताड़ा छोरा नीरज चोपड़ा, उसके लिए ताली बजे। मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा अब करो इतर ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग लगाऊंगा। 56 भोग कैसे लगाओगे चाचा? एक आदमी देखा मैंने, दो आदमी ले रखे थे उसने, सोनीपत वालों सुनना ध्यान से, 11 दिसंबर को सोनीपत आ रहा हूं। हर जगह का अपना एक माहौल होता है, भजन चाहे वही होता हो लेकिन आबो हवा में फर्क होता है, क्योंकि हर भगत का भाव अलग होता है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग देखा मैंने खाटू में लगाते हुए। दिल्ली का सेठ आया, दो आदमी साथ लेके आया, उठा ले आजा, यहां रख दे बाबा भोग लगाना, इधर आ उठा ले आजा। और एक मारे रहने की जाटड़ी, 4 लाडू मुंह के थाली में धर के सिर के ऊपर न्यातने में बांध के, और 5 घंटे की शाम बगीची गया, कैसे वो औरत लाइन में ला के पसीना टप 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 के, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया थाली के, और जैसे ही बाबा दिखिया न्यातना खोलिया लाडू लिया, लरा बाबा लरा बाबा लरा बाबा, तेरा खतर बना के लेके आई थी, 4 दिन हो गए बनाए ने, खाके बता खाटे तो कोने हो गए। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया। कहां से भाई साहब? मैं एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन कीर्तन करा ऐसा। मेरी एक बात मानो, जिस दिन कीर्तन हो 56 वो खरीद के बतलाना। आप कितनी बड़ी समिति है, 56 परिवारों में अलग अलग भोजन बनवाना और सबका उन्हीं के हाथों से बाबा को भोग लगवाना, एक एक चीज सबसे। 56 भोग पता क्यों लगाते हैं? आज क्या दिन है? गोवर्धन पूजा, आज के दिन 56 भोग लगा था जब यह प्रथा शुरू हुई। ठाकुर जी ने कितने दिन के लिए गिरधर उठाया था? 7 दिनों के, 7 दिनों के कान्हा पूतना को मारे थे, 7 दिनों तक गिरधर उंगली पे धारे थे, 7 दिनों। और एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो ब्रजवासियों ने 8 पहर में अलग अलग भोजन ठाकुर जी को कराया था, तो 8 × 7 कितने होते हैं, इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है। और कोई बात नहीं, मैं एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा, कृपा कर बाबा कृपा कर बाबा।
बोला, नरेला वाले भी आए भाई है? और मैंने बड़ा अच्छा दिन दिया नरेला को, 26 जनवरी। हाँ जी बाबू साहब। नहीं महाराज जी, ये मेरे को लग रहा अपने ही देके जा रहे हो। बांधो मत, सर्दी है, बांधे कौन है भाई, छोटे है आप भाई, कुड़से गांव से आए हो, अटेरना। देखो आपके कीर्तन को सफल बनाने के लिए किस किस गांव से लोग आए, इनका क्या प्रेम है आपसे, आपसे क्या कोई बात करी, किसी ने आपने किसी को कहा, ये आपकी भावना है जो इनको खींच के ले आई सर। आप में भावना ना होती तो ना तो वो आता ना ये आते। कौन कौन चाहता है हर साल टीडीआई में ये कीर्तन हो, ताली बजा देना, मांगने जा रहा हूं, इसके बाद कथा सुनाऊंगा। टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन समाल खासी, दिल का मामला है, दिल का, अरे सोचो सदा हुजूर, सोचो सदा हुजूर, किसने बाबा से पाया है, ताली बजाकर गाना। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया, की माया है कि नहीं। मैं याद नहीं करना चाहता कोरोना के समय को, क्योंकि बहुत गंदा था, लेकिन फिर भी उससे सीखना चाहिए। सांस सिर्फ यही दे सकता है, इसके अलावा कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं करता साहब। आप खुद सोचो, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको आप में से किसी ने पानी दिया क्या, लेकिन ये हमेशा हरे मिलते हैं आपको, आपने तो कभी पानी दिया ना, किसी को देते देखा, तो ये तो टेंशन के मारे सूख के गल जाने चाहिए। पेड़ भी तो सांस लेता कि नहीं लेता, लेता भी है, लेता भी है, तो ये तो सूख के गल जाने चाहिए, फिर हरे क्यों है? क्योंकि इनको भरोसा है कि जब भी हमें पानी की जरूरत होगी ऊपर वाला बरसात कर देगा। हम बस यही भरोसा नहीं कर पाते कि हमें जब पानी की जरूरत होगी वो बरसात कर देगा, इस भरोसे के साथ जिया करो। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है आहा, सब तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया है, खुद पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा, खुद पे लुटाता है।
मैं इतिहास बना दूं। ये लाइन आपको गानी पड़ेगी सबको। मैं दूर दूर से शाम तेरे भगत बुलाऊंगा, आने जाने का खर्चा मैं आप उठाऊंगा, आने जाने का खर्चा। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, कुछ दूंगा तो कुछ लूंगा भी। कीर्तन करवाओगे किससे? कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, और कीर्तन से पहले 10 फोन कराऊंगा। फिर 11वें फोन में बताएंगे कि मित्तल साल अवेलेबल है या नहीं है। ये दिनेश गुप्ता, इसने बहुत जोर लगाया, और मैं सच बताऊं, साल में 100-150 कीर्तन में जाता हूं, और मैं किसी कीर्तन के लिए किसी से अप्रोच नहीं करता। मैं कहता हूं डायरेक्ट बात करो। दिनेश बोला, कुंडली में पहली बार बोल रहा, चाचा आपको बोलना पड़ेगा। ये बोले मैं बरवाला हूं। मैंने कहा मैं लाला हूं, अगर तुम मित्तल हो तो मैं रस्तोगी हूं। मुझे भी 38 साल हो गए कीर्तन करते 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 इस शाम जगत में। अब बाबा की इच्छा थी कुंडली में आने की, कुदरत की बात है, मना करने के बाद भी उसने, दिनेश ने दोबारा फोन लगाया। कहां गया दिनेश? उसने दोबारा फोन लगाया महाराज जी। और फिर ये तरुण जी है, बहुत अच्छी पूजा अर्चना कराते हैं, ये इसने इसकी मेहनत रंग लाई। नहीं है सबकी, देखो ऐसा होता है, जोड़ने का काम आपका है, बाकी सब है। मैं नहीं कह रहा सब है, मैं तेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन बानक तो किसी को बनाता है ना आदमी। और पहली बार में जहां होता है वहां भलाई भलाई बुराई सब कुछ मिलती है, कमी भी होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके उनकी तो बात और है। भजन का समय निकल जाएगा ज्यादा नहीं, एक तो मैं कहूंगा ये श्याम लालनी फाउंडेशन है, तो एक भजन डाल ले, तो एक तो भजन आपका है, मैं लाला खाटू वो चलेगा। पहली बार आए हो आप, यहां पहली बार नहीं आए, ये भी पहली बार आया है, तो आप कथा सुनाओगे सुनाओगे। अब एक जयकारे से मैं इनको समर्पित कर रहा हूं। बोलो खाटू नरेश की, तीन ताली बजा के बोलो खाटू नरेश की, बोलो लखदादार की, बोलो श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की, बोलो साचे दरबार की। एक चीज और, मैं एक जल्दी हटो, आपकी वजह से बाहर माला वाला बेचारा खाली बैठा था, उसकी माला बिकनी शुरू हो गई। जब यात्रा करी चाचा, हाँ बेटा ये मेरे लिए, इधर आओ, किसने दिया है? एक काम करोगे मेरा छोटा सा, ये मेरे हो गए ना पक्का, लो पकड़ो दोबारा। मंदिर के बाहर या कहीं पर भी कोई बच्चा दिखे ना, उसको एक कैप ले देना, इसका गरम कैप, ठीक है? पापा को कहना भैया हो, पापा हो गया काम। अभी अभी जब पहले ये कुछ बताएंगे, उससे पहले मैं बताऊं, अभी जब यात्रा करी खाटू वाले की, रिंगस से लेकर खाटू धाम तक, है भाई, रिंगस से लेकर खाटू धाम तक यात्रा करी ये रथ पे सब, बोले यार ये कमाल है यार, श्याम बाबा की यात्रा रिंगस से खाटू धाम, खाटू वाले तो जाएंगे, और रथ है सालासर महाराज का, सालासर वाले परेशान, खाटू वाले परेशान, खाटू में सालासर, सालासर में खाटू। बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा चंबा तो दो ही लगे मुझे पूरी यात्रा में, कि मैंने कहा यार ये पूरी दुनिया में 100 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से सब रेस्ट्रिक्शन हैं, ये 50,000 आदमी आया कहां से? आपने तो किसी को बुलाया नहीं, अगर आप बुलाते पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है।
और दूसरा अपनी लाइफ में 38 साल की उम्र में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि रात को वो सांवरिया भवन में कीर्तन, नीचे कीर्तन दरबार, ऊपर पहली मंजिल पर दरबार था। ये दो अचंभित थे, अब ये बताएंगे जो आगे बताना है। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, बस इतना है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया। इनको 38 साल खाटू जाते हो गए और मेरी उम्र ही 31 साल है, तो मैं इनको क्या तो बोलूंगा और क्या समझाऊंगा, लेकिन इनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहता है। मैं सदैव ठाकुर को कहता हूं कि इनको लंबी उम्र दे। दरबार में व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं होनी चाहिए, दरबार में चर्चा होनी चाहिए भगवान विशेष की। हम सिर्फ एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए दुआएं करें कि बाबा जैसा मुझे दिया वैसा सबको दे। दोनों हाथ खोल के कहना, मैं दूर दूर से शाम तेरे भगत बुलाऊंगा, दूर दूर से शाम उनके आने जाने का खर्चा वो मैं आप कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, कन्हैया मित्तल को बुलाऊंगा। और पहली बार में ही मैं बम फुड़वाऊं, कीर्तन करूंगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कराऊं ऐसा मैं इतिहास।